अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन क्लब। तो आज दोस्तों दो बच्चे जो है ना मेरे पास ये निकले थे माशाल्लाह, मेरे बहुत खूबसूरत पेड़ के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये जी मर गए हैं, मुझसे ज़ाया हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही अब ये मरे क्यों हैं। ठीक है, अब दाना भी आपको नज़र आ रहा होगा इनके पेट में, आइए देखें। ठीक है, तो अच्छे खासे थे, कोई इनको चक्कर नहीं था, कोई मसला नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पलवाई कर रहे थे इनके माँ बाप। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं पेड़ पहले आपको दिखाता हूँ फिर बताता हूँ कि ये मरे क्यों हैं। ठीक है, ये देखें, ये पेड़ है माशाल्लाह से मेरा, वो पीछे वाला नार है। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे, हालांकि ये देखें इसने भी अंडे निकाले, ये भी बच्चे निकाले हुए हैं, इन्होंने भी निकाले हैं, सब ने निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये पाल रहे हैं अपने बच्चों को। ठीक है, वो भी सामने भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये मसला क्या बना है, ठीक है, जिस तरह से आपको पता है आजकल सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, और मैंने जो है ना ये नीचे नहीं था डाला हुआ, ये जो है नीचे, अब मैंने ये नीचे ला के ना थोड़ा सा गंद वगैरह डाल दिया, क्योंकि नीचे जो होता है ना मिट्टी घटा मैंने लेके आया हूँ बाहर से, तो वो मैंने नीचे डाल दिया। तो इससे इनके पाँव जो हैं वो नीचे, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, नीचे जो है ना वो फ़र्श होता है हमारे पास, तो फ़र्श की वजह से ना कबूतरों के पाँव जो है ना वो ठंडे रहते हैं, तो इस वजह से ये ना ठंड महसूस करते हैं और बच्चों को ठीक तरीके से पलवाई नहीं कर पाते। वैसे भी केज जो है ना आपका ठंडा रहता है। ठीक है, एक ये बात हो गई और दूसरी बात हो गई ये वाली। तो मैंने तो छापर वगैरह बस खाली लगाए थे, तो ये गत्ता कोई नहीं था लगाया। ठीक है, तो ये गत्ता लगाया, साथ में बाहर से भी और छापर लगाया। ये देखें आपको छापर नज़र आ रहे होंगे, केज के बाहर भी मैंने जो है ना वो छापर लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, सर्दी है इस वजह से जो है ना वो मसला हो गया। ये देखें जाली के साथ छापर लगा हुआ है अंदर, ये सारे केज के ऊपर मैंने छापर लगा दिया, वो उधर से भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी, ठीक है, नज़र आ रहा है सारा छापर जो है ना ये मैंने लगा दिया अब केज के साथ, क्योंकि ठंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, हमारे इधर पंजाब में तो आपको पता है जिस तरह से एक सर्दी जो है ना वो बच्चों को बीमार कर देती है, कबूतर बीमार कर देती है। वैसे मेरे सारे कबूतर फ्रेश हैं, अब कोई कबूतर नहीं बीमार है। ठीक है, आपको सारे कबूतर तंदुरुस्त नज़र आ रहे होंगे, मगर ये बड़ा मसला ये है कि ये सर्दी की वजह से जो है ना वो बच्चे जो है ना वो मर गए हैं, ये दो आपको जिस तरह से दिखाए हैं। हालांकि कोई कसर नहीं इनकी पलवाई में, कुछ बीमार नहीं थे, कुछ भी नहीं था इनको। ठीक है, तो बस इनको ना हल्की सी सर्दी लगी है जिस वजह से ये जाते रहे हैं। ये देखना पेट अभी भरा हुआ था, इन्होंने ये दाना वगैरह सारा खाया हुआ था, तो बहुत अच्छे तरीके अभी ना मेरे ख्याल में सुबह के मर गए हैं। मैं तो अब आया हूँ तो मैंने देखा है ना, तो ये मरे हुए हैं अभी, इतना ज़्यादा कोई नहीं हुआ, 12 बजे होंगे मरे होंगे मेरे ख्याल में। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, बारिशें हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मौसम ख़राब है, मैं इनको बाहर भी नहीं निकाल रहा। ठीक है, कबूतर मेरे सारे अंदर ही केज के रहते हैं। तो ये मैंने आपसे छोटी सी बात बोलनी थी कि ये जो भाई अपने केजों की आप हिफाजत करें अच्छे तरीके से। वैसे मेरे दूसरे सारे बच्चे सही पाल रहे हैं, कोई बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं बीमार। ठीक है, सारे बच्चे खानों में सही पाल रहे हैं। तो ये है जी, तो आप इंशाल्लाह ये जो है ना ये काम करें, अपने केज की हिफाजत करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर। अब ये देखें, ये इसके जिसामत ही बच्चे हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। ठीक है, एक ये नर बैठा हुआ है अपने बच्चों के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकले हुए हैं इधर केज में, वो नीचे आपने देखे हैं, इधर भी निकले हुए हैं, ये निकले हुए हैं बच्चे। ठीक है, इधर से ये मर गए हैं, ये निकले हुए हैं, ये निकले हुए हैं नीचे, एक बच्चा पड़ा हुआ है, ये है, ये है। ठीक है, वो उस खाने में भी है, दो बच्चे वो पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये टेडी पेयर के हैं मेरे के माशाल्लाह, तो वो नीचे भी बैठे हुए हैं दो पेयर, एक ये है, वो उस तरफ भी हैं, सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चे सारे पाल रहे हैं, कोई मसला नहीं किसी किस्म का, मगर ये है कि हल्की सी ना एहतियात करने की वजह से ये जो दोनों बच्चे जो है ना ये जी मर गए हैं। ठीक है, तो अब ये है, ये लो इनको तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब ये तो ज़ाया हो गए, अब जाते रहे हैं। मगर ये है कि आइंदा के लिए आपसे मैंने यही रिक्वेस्ट बोली है कि अपने कबूतरों का अच्छे तरीके से ध्यान रखें, उनकी केयर करें। अगर कबूतर आपके केज में बीमार हो गया तो उसको फ़ौरन से अलहदा कर दें, अपने कबूतरों में ना छोड़ें। अगर आप अपने कबूतरों में छोड़ेंगे वो इस तरह से बीमारी फैलेगी, आपके कबूतर सारे जाते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा काले वगैरह आ रही हैं अब इसके बारे में कि यार भाई हमारे कबूतर मार गए हैं, रात को बंद करते हैं, कोई पता नहीं चलता, सुबह मरा होता है कोई। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जी। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बोल दूँ, फ्लैजल सिरप जो है ना वो इस सारी बीमारी का इलाज है। ठीक है, फ्लैजल सिरप ले लें, अगर पोट को मसला बन गया, कबूतर को सर्दी लग रही है, जो कुछ भी है, नोविडेट गोली है एक, वो भी मैंने आपको बताई हुई है, हालांकि मेरे पास पता पड़ा हुआ है, वो नीचे है, अब मैं दिखाता हूँ आपको भी लेके आता हूँ।
तो ले दोस्तों ये जी मैं लेके आ गया हूँ, ये देख रहे हैं नोवी डेट्स 500 mg की गोली है, ठीक है। तो ये गोली है जी, ये 300 रुपये का पत्ता आता है, तो ये बहुत ही मुफीद गोली है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ इसके अंदर से, ये देखें जी ये गोलियाँ हैं, ठीक है। तो ये गोलियाँ, इस गोली का चौथा हिस्सा आपने दे देना अपने कबूतर को जो बीमार है, और इसके साथ ये है फ्लैजल सिरप, ठीक है। ये फ्लैजल सिरप नज़र आ रहा है, ये आपने देना है 1 cc, ठीक है। 1 cc दे दें कबूतर अपने को, और अगर आपका कबूतर ज़्यादा बीमार हैं तो उनको आप ये कर दें, ठीक है। अगर हल्के फुलके हैं तो उनको आपने ये जो है एक ढक्कन 1 लीटर पानी में देना है, ठीक है। हल्का सा पानी गर्म कर लें उबाल के, तो गर्म करके पानी तो उसमें आप डाल दें, तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना वो ठीक हो जाए, अगर हल्के सा कोई भी मसला है तो। अगर ज़्यादा बीमार हैं तो ये है, और ये एक गोली है, ठीक है। और इसके साथ वो मच्छी वाला एक कैप्सूल है, वो मेरे पास ख़त्म हो गया, नहीं तो वो भी आपको मैं दिखा देता। तो वो आपने ले के कैप्सूल, एक कैप्सूल दे देना उस कबूतर को, ठीक है। तो 1-2 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह कबूतर आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। ये जो है ना गोली, ये इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। ये गोली बस देने की देर होती है कबूतर को, अगर कोई बीमार होगा तो वो इंशाल्लाह ठीक हो, सर्दी लगी हो या कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो ये जी गोली जो है ना वो ठीक कर देती है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, जो सब दोस्त जो है ना वो मुझसे पूछ रहे थे कबूतरों के बीमारी के मतलब भी, और वैसे भी ये मेरे पास 2 बच्चे थे जो मर गए थे, तो मैंने सोचा चलो आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये मरने की इनकी वजह क्या बनी है, ठीक है। तो ये आपने अपने फ़र्श के नीचे ये जो है ये लाजमी आपने ऐसे करना है, ठीक है। मैंने तो नीचे से ये जो कुछ भी मुझे मिला मैंने इसके नीचे जो है ना वो डाल दिया जल्द से, क्योंकि मैंने मुझे पता चल गया था कि कबूतरों का केज जो है ना वो इस वक्त ऐसे हो गया। तो देखने में आपको गंद नज़र आ रहा होगा कि ये गंद है, ठीक है, मगर ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये गर्म होती है नीचे से, तो इससे कबूतरों को ना पाँव को ठंड नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है सब दोस्तों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो साथ मुलाकात होगी, तब तक ले जा चाहते हैं, थैंक्स मैं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।